The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's class, we are discussing some important forensic MCQs which are very important from your DOMSC entrance exam point of view. Important. And if you want to join revision batches for DOMSC entrance examination, you can join these batches in our official app where you will get all the exclusive content. And you will get our application link in the description where you can download it. App Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं रिविजन बैचेस ऑफ DOMSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड मॉक टेस्ट के बाद आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी एंड फिर आप एग्जाम दे सकते हैं यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. सो डू ज्वाइन अवर क्लासेस. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज द मैग्निफाइड इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड. यू हैव ऑप्शंस टॉलरेंस डिपेंडेंस सिनर्जिज्म एंड रिवर्स टॉलरेंस. So if you want more time, you can pause the video and then you can select your answer and then move forward. Otherwise, ab aap hamare saath hi video mein aage badh sakte hain. I am going to tell you the correct option for this question. So the correct option for this question is option C, synergism. Okay? So ye magnified effect hota hai. Ab magnified effect hum kise kehte hain? Hum discuss kar lete hain. Jab kabhi bhi hum kisi bhi do tarike ke drugs ko, for example, drug 1 plus drug 2. अगर हमने फर्स्ट ड्रग को सेकेंड ड्रग के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. अगर मैं इन्हें मिक्स कर देती हूँ तो ये साथ में कंबाइन होके एक बहुत ही प्रेवेलेंट इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि वो सिंगल सिंगल में नहीं कर सकते. अगर मैं ड्रग नंबर 1 कंज्यूम करती हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट ड्रग कंज्यूम करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक वेल बीइंग की फीलिंग क्रिएट हो रही है. अगर मैं ड्रग 2 कंज्यूम करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल नींद आ रही है, सेडेशन हो रहा है. सो वो दोनों ही जो इफेक्ट्स है वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही माइल्ड है. बट अगर मैं इन दो ड्रग्स को मिक्स कर दूँ तो इनका जो कोर नेचर है उसके अलावा कोई बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल जो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं सिनर्जिज्म. सो आपने पढ़ा है टॉक्सिकोलॉजी में, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में, कि अगर हम दो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ अगर कोकेन कंज्यूम करी जा रही है, अल्कोहल के साथ अगर बारबिट्यूरेट्स कंज्यूम करे जा रहे हैं, अल्कोहल के साथ अगर कोई भी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग कंज्यूम करी जा रही है, तो वो बहुत ही बुरा इफेक्ट ब्रेन पे डालती है, जिससे कि कोमा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर पैरालिसिस हो जाता है. सो अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो इतना सीवियर इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा. अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ कोकेन या बारबिट्यूरेट्स या फिर सेडेटिव हिप्नोटिक्स कंज्यूम, इतना सीवियर इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा. बट ये दोनों साथ में अगर कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करे जा रहे हैं तो आउट ऑफ द नो वेयर एक बहुत ही सीवियर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. दैट इज मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सिनर्जिज्म. सो इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स दैट कॉजेस टोटल इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग. वही मैंने बोला, इंडिविजुअल ड्रग्स के कंपैरिजन में कॉम्बिनेशन बहुत ही मेजर इफेक्ट क्रिएट करेगा. सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सिनर्जिज्म. ये तो हो गया सिनर्जिज्म. अब आपको समझना है टॉलरेंस एंड रिवर्स टॉलरेंस. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पता यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले. सो टॉलरेंस डिपेंडेंस तो सबको पता है. अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंज्यूमिंग निकोटिन एवरी डे, तो मुझे डिपेंडेंस हो जाएगी उससे, है ना. डिपेंडेंस मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है. सो मेंटल डिपेंडेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस में फर्क ये होता है कि मेंटल डिपेंडेंस सिर्फ आपके दिमाग का एक ख्याल होता है कि जब तक अगर किसी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर चीज कंज्यूम नहीं करी है तो मेंटली एंजाइटी फील करेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे, दैट इज मेंटल डिपेंडेंस. फिजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, आपकी बॉडी डिपेंड हो गई है, ठीक है, आपका माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल माइंडफुल होके चाहते हो कि कोई आप बिल्कुल माइंडफुल होके ये चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग आप कंज्यूम ना करो, बट आपकी बॉडी को, आपकी फिजिक को, आपकी बॉडी की बायोलॉजी को उस ड्रग की आदत हो गई है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस. अब हम बात करेंगे टॉलरेंस एंड रिवर्स टॉलरेंस की, तो दोनों साथ में डिस्कस करते हैं. टॉलरेंस क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 mg मेडिसिन के एग्जांपल देके बताती हूँ, अगर आज मुझे फीवर है एंड मैं 100 mg की पैरासिटामोल खा रही हूँ, मैं कई टाइम से 100 mg का पैरासिटामोल खाती हूँ और मेरा फीवर ठीक हो जाता है, बट आज फिर से मुझे फीवर आया और आज फिर से मैंने 100 mg का डोज दिया बट मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, डोज इंक्रीज कर दिया. मैं 500, 200 या 300 mg की पैरासिटामोल कंज्यूम करूंगी. सो ये जो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस.
मेरी बॉडी को उस पर्टिकुलर डोज से टॉलरेंस हो गई है, तो अब जो इफेक्ट मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी में क्रिएट हो वो उस पर्टिकुलर डोजेस से क्रिएट नहीं हो रही है, तो मुझे डोज इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ड्रग्स के साथ। अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग एक स्पैन के लिए लिया जाए तो फिर वो डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट करना बंद कर देती है, एंड वो डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए फिर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो डोजेस इंक्रीज करते चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, ये तो हो गया टॉलरेंस। अब रिवर्स टॉलरेंस क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू दिस फिनोमेना, रिवर्स टॉलरेंस अकर्स व्हेन इंक्रीजिंगली स्मॉलर डोज। मतलब क्या, अगर आज मैं 100 mg ड्रग्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं 90 mg, 80 mg, 60, 70, 50, 40, सो इंक्रीजिंगली स्मॉलर डोजेस में डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट होना, इसे कहते हैं रिवर्स टॉलरेंस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फॉर सिस्टम, बर्टलॉन सिस्टम, हेनरी सिस्टम एंड गाल्टन सिस्टम। सो यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट मोर टाइम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन सी। सो हम इसे हेनरीज 10 डिजिट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो थे एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, एंड दो और इनके हेल्पर्स थे जो कि काफी फेमस थे, एक थे अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि हेलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं, एंड इन ऑप्शंस में से एक ड्रग ऐसी है जो कि हेलुसिनेशन क्रिएट नहीं करती है, सो यू हैव टू पिक दैट वन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मेथाक्विनोलोन। सो मेथाक्विनोलोन इज सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग जो कि क्या इंड्यूस करती है, स्लीप इंड्यूस करती है, इट इंड्यूसेस स्लीप। ओके, एंड ये जो बाकी बी सी एंड डी है ये हेलुसिनोजेंस हैं, ये हेलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं। मेथाक्विनोलोन इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, सो सेडेटिव हिप्नोटिक दे इंड्यूस स्लीप इंड्यूस करते हैं, सो इसे ही हम कहते हैं सेडेटिव। बेसिकली ये क्या होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ पेपर फीडिंग सिस्टम यूज इन प्रिंटर्स, कीबोर्ड सिस्टम यूज इन प्रिंटर्स, रोलिंग सिस्टम यूज टाइपराइटर्स एंड फॉन्ट सिस्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। सो जो डेजी व्हील प्रिंटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिंटर, काफी कॉमन नाम है प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ कीबोर्ड सिस्टम विच इज यूज इन प्रिंटर्स। सो डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, डेजी व्हील में ये सारे ना कीज होते हैं, व्हील के फॉर्म में ये सारे के सारे कीज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। और ये कीबोर्ड सिस्टम, इसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स लगे हुए होते थे, मतलब मेटल अल्फाबेट्स होते थे, एंड उसके थ्रू ही हम अल्फाबेट्स लिख पाते थे। सो डेजी व्हील इज अ कीबोर्ड सिस्टम ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, इसमें कीबोर्ड्स होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज मार्कर्स इज प्रेजेंट इन सेमाइनल प्लाज्मा। सो पेप्टिडेज ए, सी, डी एंड ट्रांसफरिन। So it is an enzyme. So we are talking about enzymes. So the correct option for this question is A, peptidase A. It is a important marker which is present in the seminal plasma. Seminal plasma contains starch, or you can say glucose, and then we have these enzymes. So seminal plasma hota hai, it contains peptidase A. And it is also known as protease and proteolytic enzyme. So ASE is a standard for enzymes. And if lytic is added, it means ये क्या कर रहे हैं? Break down किसी चीज का, lysis कर रहे हैं. Clear? Hydrolysis करते हैं proteins का. Proteins को अगर हम break करें, proteins को हम break करते हैं amino acids में, right? ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ऑफ कोर्स एज आई सेड इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स व्हिच कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाकायामा टेस्ट फॉर कंफर्मिंग ब्लड इज बेस्ड ऑन हीमिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, हीम क्रोमोजन क्रिस्टल फॉर्मेशन, फेरिक सल्फेट क्रिस्टल फॉर्मेशन, ग्लोब्यूलिन क्रिस्टल फॉर्मेशन। सो वी हैव टू मेजर माइक्रो क्रिस्टल एसेज एज अ कन्फर्मेटरी एसे फॉर ब्लड एनालिसिस। सो एक तो होता है टाकायामा, दूसरा होता है टाइकमन।
So, Takayama kya hai? Takayama is a confirmatory blood analysis and it is heme chromogen crystal formation. Heme chromogen crystal formation hoti hai. ठीक है, इसके जो crystals हैं इनको हम कहते हैं heme chromogen crystal formation. ठीक है, एंड जो Teichmann test है उसमें हम कहते हैं heme and crystal. ओके, मैकेनिज्म हम किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे तब आपको मैं बता दूंगी कि हीमन क्रिस्टल क्यों बोला हमने, हीम क्रोमोजन क्रिस्टल क्यों बोला हमने. जस्ट रिमेम्बर, टाकायामा टेस्ट गिव्स हीम क्रोमोजन क्रिस्टल कंफर्मेशन इन द माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द ब्लड बिलोंग्स टू ह्यूमन और एनिमल. सो यू हैव ऑप्शंस हियर. सो मैंने आपको कई सारे क्लासेस में भी बताया है कि अगर ब्लड सैंपल हमें मिलता है तो फर्स्ट step is to rule out the animal blood thing, है ना? अगर animal blood है तो आप क्यों further analysis करोगे, right? So पहले आपको check कर लेना होता है कि human blood है, animal blood है. Animal blood है तो site का हो, human blood है तो फिर further analysis करो. So human and animal blood इसको हम species identification भी बोलते हैं. Species identification. So option C is the correct option. Option C is the correct option. Precipitin test is to identify the human and animal blood. So next question, the person having Bombay blood group has following in his red blood cells. So the correct option for this question is option C, mitochondrial DNA. So Bombay blood group people have mitochondrial DNA in their red blood cells. Next question, which of the following is not a base associated with DNA. So we have base pairs, right? Base pairs kya hote hain? Base pairs hote A, G, T, C. In DNA we have these four purines and pyrimidines bases. So A kisse join kar, A kisse join karta hai? A T ko join karta hai, G C ko join karta hai. So G C ke sath connected hota hai with three hydrogen bonds and A T se connected hota hai with two hydrogen bonds. So AGTC is for adenine, guanine, thymine and cytosine. So guanine, cytosine, adenine. So thyronine nahi hota hai. So thyronine is the correct option. It is not associated with DNA. Clear. Next question. The silica gel G contains dash as a binder. So silica gel G contains gypsum. Option B is the correct option. And silica gel G ka jo G hai stands for gypsum as well. So, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि G stands for what? And it is a binder. It is a binder. ठीक है? Silica gel G की जो binder capacity होती है वो gypsum की वजह से होती है. And silica gel G हम कहाँ use करते हैं? TLC, conventional TLC plates में. जिन भी बच्चों ने forensic science से BSc करी हुई already उनको पता है कि कैसे TLC plates बनाते हैं. सब बच्चों ने अपनी BSc में बनाई होगी TLC plates. To identify ink, to identify drugs, है ना? TLC हम करते हैं. तो जो conventional TLC होती है उसमें हम silica gel G use करते हैं. अगर आपने plates बनाई होंगी, nowadays students don't make, जो अभी के बच्चे हैं जिन्होंने अभी admission लिया होगा BSc में, उनको फिर बनी हुई plates मिलती हैं. So, but मैंने अपने college के time में बहुत सारी plates बनाई हैं. हम तो अपने seniors के लिए भी plates बनाते थे. So, for example, अगर कल वो lab में कोई भी practical करने वाले हैं, अगर उनको TLC plates चाहिए होती थी तो वो हमको पहले ही बोल देते थे कि तुम इतने इतने TLC plates बना के रखो. तो हम TLC plates slurry बनाते थे, TLC plate बनाते थे, so that हमारे senior next day फिर practical कर सकें. It was about TLC plates and silica gel G. Okay, so that was the last question. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. अगर ये video helpful है तो like this video and you can comment as well. Share it with your friends and stay connected. See you guys in the next video. Till then, take care. And if you want to join any of our classes, you can join through app and link is in the description. Thank you so much again. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.